हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर। जी हाँ दोस्तों, आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने इग्नू में एडमिशन लिया हुआ है, तो दोस्तों आपको अपनी अगली क्लास के लिए या अगले सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। दोस्तों, री रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप अपना अगली क्लास में एडमिशन ले रहे हैं। दोस्तों, आपने अगर अपने एग्जाम्स नहीं दिए हैं या आपने अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, तब भी आप अपने अगले सेमेस्टर में या अगले ईयर में अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट का, थर्ड ईयर के बीए के स्टूडेंट का री रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। दोस्तों, आपके यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इग्नू का ऑफिशियल पेज ignu.ac.in ओपन कर लीजिए। इसी पेज में आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2020 सेशन। सो दोस्तों, आप यहां पे इसे क्लिक करके और नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। यहां पे इस पेज में आपको आपके री रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट दी गई है 30 जून। दोस्तों, यहाँ पर आपको किस तरीके से अपना री रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में गाइडलाइंस दी हुई हैं, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही वीडियोज़ में बता चुका हूँ। फिर भी दोस्तों, मैं आपको मेन पॉइंट्स कवर कर देता हूं। आपको यहां पे अपना फीस पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों, री रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आपको अपना नंबर यहां पे रजिस्टर करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करके, जहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी होगी। उसके बाद में दोस्तों, आप अपने कोर्स सिलेक्शन के टाइम पर किसी भी टाइप की गलती ना करें, क्योंकि बाद में आप अपना सब्जेक्ट चेंज करवाएंगे तो उसके लिए आपको फीस पेमेंट भी करना होता है और उसकी वजह से आपका टाइम भी लॉस होता है। इसके बाद में दोस्तों, अगर आप अपनी बुक्स नहीं लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फीस पेमेंट के लिए 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपके ऑनलाइन पेमेंट के टाइम पे आप ध्यान रखें, गलती से भी दोबारा पेमेंट ना करें। दोस्तों, आप अपना OTP किसी के साथ में शेयर ना करें। अगर आप अपना एक बार पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद में आपका पेज यहाँ पर स्टक हो जाता है, तो कम से कम आप 24 आवर्स का वेट करें, उससे पहले आप इसके लिए पेमेंट ना करें। दोस्तों, यहाँ पे आपके पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अगर आपकी पेमेंट गलती से दो बार हो जाती है तो आपकी वो पेमेंट जिस कार्ड से या जिस अकाउंट से की गई है उसी अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपका री रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक लाइन दी हुई है, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस गिवन अबव, मतलब जो ऊपर इंस्ट्रक्शंस, जो गाइडलाइंस दी हुई है, मैंने पढ़ ली है और समझ ली है। इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे ये स्मॉल बॉक्स है, आप इसे टिक कर दीजिए। टिक करके आप यहाँ पे प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन को क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में दोस्तों, आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अभी आप यहाँ पे समझेंगे कि आपके इनरोलमेंट नंबर आपके पास में है और आपका पासवर्ड भी आपके पास में है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को पहले यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए दोस्तों, आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो दोस्तों, आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले अपना प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों, जितने भी कोर्सेज के री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए गए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, आप इनमें से अपना प्रोग्राम कोड सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो इग्नू आइडेंटिटी कार्ड है उस पर जो आपका नाम लिखा हुआ है वो नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद में आपको अपने इनरोलमेंट नंबर लिखने होंगे। दोस्तों, इनरोलमेंट नंबर लिखने के बाद में ये जो कैप्चा आपके सामने यहाँ पे दिया होगा उसे आपको यहाँ पे बॉक्स में लिखना होगा। लिखने के बाद में जैसे ही आप सबमिट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, प्लीज़ इंटर योर ओन ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, दीज डिटेल्स विल बी यूज फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड पासवर्ड रीसेट फैसिलिटी। दोस्तों, आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर लिखने होंगे और उसके नीचे अपना ईमेल एड्रेस लिखना होगा। ये दोनों डिटेल्स फिलअप करने के बाद में आप यहां पे सबमिट को क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट को क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में और आपके ईमेल आईडी पे इग्नू की तरफ से एक OTP भेजा जाएगा। दोस्तों, वो OTP आपको यहां पे इंटर करना होगा। OTP इंटर करने के बाद में आप यहां पे डायरेक्टली सबमिट को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर सबमिट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना खुद से पासवर्ड बनाना होगा। दोस्तों, आप अपना जो भी पासवर्ड ऊपर लिखेंगे उसी पासवर्ड को आप नीचे भी लिखें, दोनों पासवर्ड आपके सेम रहेंगे। बेसिकली आपको यहाँ पे अपना एक खुद का पासवर्ड जनरेट करना होगा। दोस्तों, पासवर्ड जनरेट करने के बाद में आप यहाँ पे सबमिट को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पॉपअप आ जाएगा, ग्रेट, यू कैन लॉग इन नाउ।
अभी जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड और आपके इनरोलमेंट नंबर की सहायता से अभी आप लॉग इन कर पाएंगे। यहाँ पे आपका यूजर नेम, आपके इनरोलमेंट नंबर होंगे, उसके बाद में पासवर्ड, जो अभी आपने जस्ट अपना पासवर्ड बनाया वो वाला पासवर्ड। इसके बाद में दोस्तों ये जो कैप्चा लिखा हुआ है इसको आप नीचे इंटर कर देंगे और उसके बाद में लॉगिन को क्लिक कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक हेयर को क्लिक करके और अपनी सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका री रजिस्ट्रेशन का, वहाँ से आप अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर दोस्तों आपके लिए यहाँ पे अलग से भी एक ऑप्शन दिया हुआ है री रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे इसे क्लिक करके और नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने कुछ अलग अलग ऑप्शंस हैं, लेकिन दोस्तों आप इनमें क्लिक हेयर वो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसी को क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपकी सभी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने अपना एडमिशन कब लिया था, कब कब आपने अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया, आपका कौन सा स्टडी सेंटर है, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है री रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर 2020 जुलाई, यू कैन अप्लाई फॉर री रजिस्ट्रेशन इन ईयर 3 ऑफ बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स। आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू सेलेक्ट योर कोर्सेज को क्लिक करके और अपने थर्ड ईयर के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स देखना चाहते हैं उसकी पूरी लिस्ट आपको इसी पेज में नीचे दी हुई है। आप यहाँ पे अपने पुराने सब्जेक्ट देख के और अगले सब्जेक्ट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक हेयर टू सेलेक्ट योर कोर्सेज को क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपके स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन के लिए ऑप्शन पूछा हुआ है, या तो आप बुक्स लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। अगर आप बुक्स नहीं लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 15% की फीस में डिस्काउंट दे दी जाएगी। सो दोस्तों मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट वाला ऑप्शन, आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन डिजिटल फॉर्म एंड अवेल 15% डिस्काउंट इन प्रोग्राम फी। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे नीचे चले जाएंगे अपने कोर्स सिलेक्शन के लिए। आपको यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे, आपके लिए अलग अलग ग्रुप्स दिए हुए हैं, उन ग्रुप्स में से ही आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। दोस्तों यहाँ पे थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अपना एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स भी सेलेक्ट करना होता है। दोस्तों एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स सेलेक्ट करने के टाइम पे आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों आपको फिर बाद में काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। दोस्तों आप में से कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे AHC1 ह्यूमन एनवायरनमेंट वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर आपको अपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अपना असाइनमेंट भी बनाना होगा, अपना प्रोजेक्ट भी बनाना होगा, और आपको अपने एग्जाम्स भी देने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इससे बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप कोई और सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। सबसे बेहतर दोस्तों ये रहता है ACC1 ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के इस टाइप के भी कन्फ्यूजन्स है, वो बोलते हैं कि ये चाइल्ड केयर सर्विसेज तो लड़कियों के लिए रहता है या लेडीज़ के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट इसके नीचे दिया हुआ है ANC1 न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी, आप चाहें तो इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पे नीचे CT 3, 4, 5 इनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंपलसरी होता है एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स लेने के लिए, इसलिए आप उसके अकॉर्डिंगली ही अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ACS1 ले लेते हैं कंज्यूमर स्टडीज़, इसके लिए दोस्तों आपको एक ही सब्जेक्ट के 2 अलग अलग असाइनमेंट बनाने होते हैं। तो दोस्तों उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ ANC1 न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी। ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, आप चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ग्रुप 5 में आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों जैसे कि जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो चाहें तो यहाँ पे अपने इंग्लिश वाले सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी के सब्जेक्ट को, आप चाहें तो यहाँ पे अपने पॉलिटिकल या सोशोलॉजी या पब्लिक एडमिन के सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे जो स्टूडेंट जिनका मैं अभी फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वो पहले से हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों उनके लिए ESI 5 मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में ग्रुप 6 में भी आपको यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी हुई है, तो दोस्तों इसमें से मैं इनके लिए सेलेक्ट कर देता हूँ ESO 16, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहले से हिस्ट्री और सोशोलॉजी लिया हुआ है, इसलिए दोस्तों एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो गया, एक सोशोलॉजी का, और एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स में हो गया ANC1। इसके बाद में दोस्तों लास्ट वाला आ जाता है, यहाँ पे आपको अपना एक सब्जेक्ट फिर से सेलेक्ट करना होगा। सो यहाँ पे लास्ट वाले में मैं इनके लिए सेलेक्ट कर देता हूँ BHDE 101 हिंदी गद्य। सो दोस्तों आप यहाँ पे जब री रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट होगी, आप इनमें से अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पूरा टाइटल देख के और उसके अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे बिल्कुल भी कोई भी गलती ना करें, क्योंकि बाद में सब्जेक्ट चेंज करवाना बहुत बड़ी सिरदर्दी होता है। इसलिए दोस्तों सिलेक्शन के टाइम पे आप इस टाइप की कोई भी गलती ना करें। मैंने दोस्तों यहाँ पे एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया BHD 101, ANC 1, ESO 16, EHI 5। दोस्तों इसके बाद में मैं यहाँ पे सबमिट को क्लिक कर देता हूँ। सबमिट को क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपने जो भी सब्जेक्ट्स सेलेक्ट किए हैं उनकी पूरी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। दोस्तों आप यहाँ पे इनके कोर्स के नेम जो लिखे हुए हैं उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है यहाँ पे कि कुछ भी आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो कुछ गलत हो गए हैं, आप इनमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट कोर्स सिलेक्शन। आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो आप फिर से पिछले वाले पेज में चले जाएंगे और वहाँ से आप फिर से अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं करना चाहते हैं तो इसी पेज में लास्ट में आपकी फ़ीस डिटेल्स दी हुई है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल री रजिस्ट्रेशन फ़ी 2700, लेकिन दोस्तों इन्होंने यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी के लिए अप्लाई किया है और इनको फीस में 15% का डिस्काउंट दे दिया गया, मतलब 405 रुपीज़ लेस करके टोटल 2295 पे करना होगा। दोस्तों पे करने के लिए आप यहाँ पे फी को क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आपका पेज यहाँ पे कुछ देर के लिए प्रोसेस हो सकता है, लेकिन आपको बैक या फिर रिफ्रेश का बटन प्रेस नहीं करना है। इसके बाद में दोस्तों आ गया आपका पेमेंट के लिए चूज ए पेमेंट ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए या UPI के लिए या नेट बैंकिंग के लिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहूँगा, आप क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आपका यहाँ पे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, नेम ऑन कार्ड, ये सभी डिटेल्स फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद में आप यहाँ पे प्रोसीड को क्लिक कर दीजिएगा। आपका पेज यहाँ पे फिर से कुछ देर के लिए प्रोसेस होगा, लेकिन आपको फिर से रिफ्रेश या फिर बैक का बटन प्रेस नहीं करना। इसके बाद में दोस्तों आ जाएगा आपका OTP के लिए। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना OTP इंटर करना है। OTP इंटर करने के बाद में आप सिंपली यहाँ पे सबमिट को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे सबमिट को क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे फीस पेमेंट हो जाएगा और आपका री रजिस्ट्रेशन भी कम्प्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपने जो भी सब्जेक्ट अपने सेलेक्ट किए हैं वो सभी सब्जेक्ट्स आपकी लिस्ट में अभी एडअप कर दिए गए, EHI 5, ESO 16, ANC 1, BHDE 101। दोस्तों आप अगर अपना खुद से री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर कहीं पे सिटी में किसी शॉप से या साइबर कैफे से अपना री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो दोस्तों इसके बाद में आप अपना रिसिप्ट लेना ना भूलें। दोस्तों रिसिप्ट निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है हिस्ट्री री रजिस्ट्रेशन। आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो अभी आपने री रजिस्ट्रेशन किया है उसकी पूरी हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी डिटेल्स लिखी हुई है, रेफरेंस नंबर, उसके बाद में लास्ट में प्रिंट। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका PDF ओपन हो जाएगा, आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। सो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया री रजिस्ट्रेशन करने का पूरा तरीका। दोस्तों ये थर्ड ईयर के लिए था, इसी तरीके से सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स भी अपना री रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे शेयर कीजिएगा। दोस्तों आपके री रजिस्ट्रेशन के लिए 30 जून लास्ट डेट दी गई है, हो सकता है कि बाद में आपकी लास्ट डेट को भी एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 30 जून से पहले आप अपना री रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट कर ले, क्योंकि दोस्तों लास्ट मोमेंट पे आपका फ़ीस पेमेंट के लिए या आपके री रजिस्ट्रेशन के पेज में कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपका री रजिस्ट्रेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का 6 महीने का लॉस हो जाता है। री रजिस्ट्रेशन की वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।